हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रोथर रोथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस करने का प्लान कर रहे हो तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर चॉइस फिलिंग, फिर रिजल्ट और फिर रिपोर्टिंग, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस अगर हम करने का प्लान कर रहे हैं तो नीट का हमें एग्जाम कहीं ना कहीं देना होता है और उसके ही स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही हमें कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर अच्छा स्कोर है हमारा तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस मिलेगा। और गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा, मतलब आपको, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने पहले भी बताया था एमबीबीएस की काउंसलिंग में कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीटें स्टेट में जा रही होती है और 15% सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रही होती है। सो अगर आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड करना है, मतलब हर स्टेट की 15% सीटें किसी भी स्टेट में बीएएमएस कॉलेज है, बीयूएमएस कॉलेज है, बीएचएमएस कॉलेज है, तो उसकी 15% सीटें किस में जा रही होंगी? स्टेट में नहीं, ऑल इंडिया में जा रही होंगी और 85% स्टेट में होंगी। मान लीजिए मैं यूपी से हूं तो मैं यहां दो काउंसलिंग अटेंड कर सकता हूं। एक तो मैं अपनी यूपी की आयुष काउंसलिंग, राइट, और दूसरा मैं यहां पर अटेंड कर सकता हूं ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग। अब अगर हम ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है नंबर थोड़े अच्छे भी होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में जो कट ऑफ जाएगा वो ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए, अगर हम ऑल इंडिया की करना चाहते हैं तो यहां पर 4 प्रोसेस होंगी, राइट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट और रिजल्ट। काउंसलिंग में यही प्रोसेस हो रही होती है। एक कहीं ना कहीं अगर हम राउंड फर्स्ट की बात करें तो उसमें 4 होंगी, फिर से राउंड सेकंड होगा उसमें भी 4, फिर राउंड 3 उसमें भी 4 और फिर स्टे वैकेंसी राउंड और उसमें भी 4 प्रोसेस होंगे। फर्स्ट राउंड में सारी सीटें आ रही होती हैं, फिर जो फर्स्ट राउंड के बाद बचती है वो सेकंड राउंड में जाती है, सेकंड के बाद जो बचती है वो थर्ड में, थर्ड के बाद जो बचती है वो स्टे वैकेंसी राउंड में। तो इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिलता है सेकंड में लीजिए, सेकंड में नहीं मिलता है थर्ड में लीजिए, थर्ड में नहीं मिलता है तो फोर्थ में लीजिए। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की तो 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और यहां पर सीट अलॉटमेंट 5 से 6 के बीच में, मतलब आपको रिजल्ट पता चल जाएगा 7 तारीख को, और 8 से 13 के बीच में आपको फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा, यहां पर सारी चीजें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये है राउंड फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम राउंड 2 की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो 20 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में, 21 से 24 आपको चॉइस फिलिंग करना है और अगेन रिजल्ट और फिर आपको रिपोर्ट करना है। थर्ड राउंड की भी बात करें तो 12 अक्टूबर से लेके यहां पर 15 अक्टूबर तक, मतलब ये काफी लंबी खींच दी गई है उन्होंने, राइट, थोड़ा सा ज्यादा गैप दे दिया गया है। थर्ड राउंड की अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें तो 13 से 15 है और स्टे वैकेंसी राउंड लास्ट में अगर आप जा रहे हैं तो उसका भी दिया गया है, जो कि आपकी पूरी पूरी नवंबर तक जा रही है, मतलब 30 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग चलेगी इसकी। अब साथ ही साथ स्टेट की भी आपकी अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी चालू होगी, सो उस स्टेट में भी आप अपीयर कर सकते हैं, इसमें भी अपीयर कर सकते हैं। और अगर नंबर कम है सो किस स्टेट में कहां मिलेगा वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सो अगेन, अब अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती थी एमबीबीएस की, अगेन हम थोड़ा सा समझाते हैं, राइट। सो उसमें हम क्या करते थे, एमबीबीएस बीडीएस में रजिस्ट्रेशन हमें करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए कि भाई साहब आपका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ रहते हैं, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ये तमाम चीज़ें भरना है। ट्वेल्थ में कितना आया है, परसेंटेज भी आपको कहीं ना कहीं भरना है। अब दूसरा होता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग जो मतलब आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो, मतलब आप बता रहे होते हो इनको, किनको, कंप्यूटर को, राइट, कि हमें ये कॉलेज चाहिए, इस सीक्वेंस में चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। मान लीजिए मैं यूपी में हूं, मैं नहीं जाना चाहता नॉर्थ साइड, मैं नहीं जाना चाहता हूं साउथ साइड, राइट। सो आप जो चॉइस भरोगे कॉलेजेस वही आपको अलॉटमेंट होगी।
बट अगेन सवाल यहां पर फिर से वही आता है कि भाई साहब चॉइस फिलिंग करें तो करें कैसे, कौन सा कॉलेज बेटर होगा, कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। देखिए सॉल्यूशन इसका दिया गया है, करना आपको क्या है, यहां पर बड़ा अच्छा सिस्टम है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी है, course.studentkhabri आप जैसे ही खोलेंगे यहां पर इस तरीके का पैनल मिलेगा। और आप मेडिकल इंजीनियरिंग में जैसे ही जाएंगे, मेडिकल में जाऊंगा तो यहां पर प्रेडिक्टर भी और चॉइस फिलिंग टूल भी मुझे मिलेगा। चॉइस फिलिंग करना है तो वो भी देख सकते हो, प्रेडिक्टर भी। अब यहां पर सारे MBBS BDS के लिए प्रेडिक्टर दे रखे हैं, हमें आयुष का देखना है, ऑल इंडिया का देखना है या स्टेट वाइज देखना है, ये आप चेक कर सकते हो। अगर मुझे ऑल इंडिया का देखना है तो मैं यहां पर डालूंगा अपनी रैंक, मेरी रैंक कितनी है, मान लीजिए मेरी रैंक है 80,000, राइट। अब इस 80,000 की रैंक में मुझे कॉलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे यहां पर देखना है, या फिर मेरी रैंक है यहां पर मैं कर देता हूं 42,000, राइट 40,000 कर दिया, चलिए कैटेगरी में यहां पर लगाऊंगा और यहां पर करूंगा। अब देखिए यहां पर बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी का जो है वो मुझे मिलेगा, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बड़ौदा का मुझे मिल जाएगा। इसकी क्लोजिंग कितने में गई थी पिछले बार ये भी बता रहा होगा ऑल इंडिया से। अगर मुझे यूपी का पर्टिकुलर देखना है तो मैं वो भी देख सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पर देखा राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे मिल जाएगा, राइट, कहाँ का क्लियरली दिया है, BAMS मिलेगा या BUMS मिलेगा, BHMS मिलेगा, ये आपकी ब्रांच दी गई है। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरनगर का मिल जाएगा। अब इसको मान लीजिए मेरी रैंक यहाँ पर है 53,000, मैं उसके हिसाब से डालूंगा तो यहां पर ये बता देगा कि देखिए 53 में ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, और इसके हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, और यहां पर उसकी क्लोजिंग क्या थी पिछले साल ये भी बता देगा। अब अगर मैंने यहां पर डाला कि 53 नहीं मेरी रैंक है 63,000, तो उसके हिसाब से ये कॉलेजेस बता देगा कि कौन सा मिल रहा है, राइट। तिलक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पुणे का BAMS मिल रही हो। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी रैंक है 1,00,000, राइट 1,00,000 मेरी रैंक है पर्टिकुलर, तो जाहिर सी बात है अब यहां पर मुझे BUMS BHMS के भी ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, राइट। सो लेट विद्या कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, अहमदनगर का मिल रहा है आपको, अमरावती का मिल रहा है, राइट। पर्टिकुलर यहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से मिल रहे हैं 1,00,000 की रैंक पे। अब मैंने कहा कि मेरी रैंक है यहां पर XYZ 2,00,000, तो इस तरीके से आप अपने सारे कॉलेजेस और उनको देख सकते हो। 2,00,000 की रैंक में मुझे क्या मिल रहा है, यहां BHMS मिल रहा है, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में। सो इस तरीके से प्रेडिक्टर मैंने डाला, आपने अलग अलग रैंक देखी। अब मुझे अगर मान लीजिए चॉइस फिलिंग करना है ऑल इंडिया काउंसिलिंग की, राइट, सो मैं यहां पर क्या जाऊंगा, जो मैंने अभी प्रेडिक्टर देखा, देखिए यहां पर प्रेडिक्टर मैंने खोला था, अब यहां चॉइस फिलिंग टूल पे क्लिक करूंगा। यहां पर भी जैसे मैंने उसको किया है यहां पर भी हम यही करेंगे, सारी स्टेट देखेंगे और यहां पर मैं आयुष का खोल के और आयुष की चॉइस फिलिंग करूंगा। अगेन चॉइस फिलिंग में ये आपको बता देगा बेटर ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास, सारे बेटर ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, किस सीक्वेंस में भरना है ये भी आ जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए मैं इसका कर रहा हूं तो यहां पर मैंने XYZ कोई भी रैंक डाली अपनी, राइट, यहां पर मैंने अपनी ओपन कैटेगरी डाली, कोई भी कोटा डाल दिया, तो ये एक सीक्वेंस में पूरे सीक्वेंस में यहां पर कॉलेजेस बताए, बस मुझे टिक करना है, ये बता देगा कि आपको ये वाला मिल सकता है नहीं मिल सकता है, और लास्ट ईयर ये कॉलेजेस मिला था या नहीं मिला था। सारी चीजों को इजी कर दिया गया है, आप इनका यूज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या course.studentkhabri पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सो इसी तमाम चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है पूछो अक्सर। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.